So hi everyone, welcome back to this channel. Your essays and everything already I have told my previous videos that BRC में 99.99 percentile के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो उसके लिए आज थोड़ा और डिटेल्स में बात करते हैं, जो 6 महीना और बचा हुआ है तो इसमें क्या स्ट्रेटेजी होगा, क्या क्या होगा उसको लिए ज़्यादा सा बात करते हैं। तो जस्ट फॉर वन मंथ, फॉर दिस मंथ ओनली, मतलब क्या ना जुलाई जून मंथ के लिए आप लोग थोड़ा सा जो मेरा स्ट्रैटेजी है उसको थोड़ा सा फॉलो कीजिए, ठीक है ना। तो ऑटोमेटिक देखिएगा आपको बहुत बेनिफिट होने वाला है। मतलब क्या है ना, जो वहाँ पर से आप कुछ सीखेंगे, कुछ जानेंगे, इंटरनेट में सर्च करेंगे तो आपको बहुत सारा काम आगे बढ़ जाएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर मैं इस बोर्ड में मैं दिखाता हूँ, ठीक है। कैट 23 VRC ट्रिक्स दिया हुआ है, ठीक है ना। सेल्फ प्रिपेरेशन मोड, मतलब क्या है ना, जो सेल्फ प्रिपेरेशन करते हो तो उसके लिए मैं बोल रहा हूँ। बिकॉज क्या होता है ना, किसी किसी का उतना मतलब इन्वेस्ट नहीं कर पाता है कोई कोचिंग सेंटर का इन्वेस्ट में, कि कुछ जगह में कोचिंग सेंटर आप ले सकते हो, मॉक के लिए आपको लेना ही पड़ेगा, क्योंकि कोई कोई जगह का कोचिंग सेंटर फ्री में कुछ थोड़ा सा मॉक के लिए देता है। तो मॉक वहाँ पर 25 को 30 को मॉक रहता है, उसके लिए थोड़ा सा पैसा खर्चा करने से आपको मॉक मिल जाएगा। मतलब ऑनलाइन मॉक आपको देना ही होगा, नहीं तो नहीं होगा, ठीक है। तो चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन प्रिपरेशन के लिए उतना पैसा कोई इन्वेस्ट नहीं करना चाहता है, तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ जिसके लिए। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट दैट सेल्फ प्रिपरेशन मोड होते हैं, क्योंकि स्टूडेंट लोग ऐसे ही करते रहता है। बिकॉज दोज हु आर इन जॉब, उन लोग खास करके उनका टाइम उतना है नहीं, वो खुद पढ़ता है। कोचिंग इंस्टीट्यूट का, कोचिंग सेंटर का जो आपको जो मतलब क्या ना ऑनलाइन या आपको ऑफलाइन जो स्टडी मटेरियल जो है वो उनके पास रह जाता है, पढ़ता उड़ता कुछ है नहीं, ठीक है ना। दिस इज द रियल स्ट्रेटेजी। सो देखिए आपको VRC में, मैं कहीं बार बता चुका हूँ, कैट में आपको 2 सेक्शन है, दैट इज आपको RC एंड अनदर इज आपको भरवाल। तो RC में क्या क्या क्वेश्चन आता है, दैट इज 4 पैराग्राफ विल बी देयर, मतलब 4 रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन विल बी देयर, एंड ईच एंड एवरी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन शुड कॉन्टेंट 4 क्वेश्चंस, मतलब क्या है ना 16 को क्वेश्चन रहेगा, 4 × 4 = 16 को क्वेश्चन। तो इसमें देखिए जो पहले जो आते हैं, दैट इज जो 4 वो RC आता है, तो उसमें क्या होता है ना, कौन कौन RC आएगा, क्या आएगा, नहीं आएगा, उसके लिए थोड़ा सा बात करते हैं। तो देखिए टेक्नोलॉजिकल चीज़ है, पर्सनल सोशल टेक्निकल जो मॉडर्न साइंस है, आपको जो रोबोटिक्स है, इस सब एक तो पार्ट है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है ना, पर्सनल एंड सोशल टेक्निकल रिलेशनशिप, उसके बाद लिंग्विस्टिक लैंग्वेजिंग प्रॉब्लम्स, लॉट्स ऑफ थिंग्स आर देयर। उसके बाद फिक्शन नॉन फिक्शन का किताब, जो मैं पहले भी बता चुका हूँ, फिक्शन नॉन फिक्शन का किताब पढ़ो, उसमें थोड़ा सा आपको क्या है ना इंग्लिश स्ट्रेटेजी हाई होगा। मतलब एक बार यून ऐसे आप पढ़ोगे ना, आपको 200-250 आपको नया चीज़ आप देख पाओगे वर्ड, तो उसको लिखो एक तो कॉपी में, कॉपी में लिख के क्या होगा ना, उसका एंटोनिम सिनोनिम एज वेल एज उसका जो है आपको जो वर्ड मीनिंग जो है उसको आपको पता करना पड़ेगा। मतलब बेटा कॉपी में लिख के उसको डेली उसको पढ़ो, रात को जब सोते जाओगे उस टाइम देखो, तब जगह आपको फाइनली कन्वर्ट होगा, ओके। तो यहाँ पर देखिए RC सब सेल्फ प्रिपरेशन स्टूडेंट्स के लिए मैं बोल रहा हूँ, दैट इज़ UNSA। वहाँ पर 5 स्टार मैं लेगा रहता हूँ। UNSA मतलब क्या ना, जो यहाँ पर देखिए आपको 200-250 आपको UNSA आपको पढ़ना पड़ेगा। तो 200-250 UNSA आप पढ़ोगे तो ऑटोमेटिक आपको कुछ होने वाला है, मतलब क्या ना आपको थोड़ा सा समझ में आएगा, यस आई कैन डू समथिंग, अदरवाइज क्या होगा ना आपको कुछ भी नहीं समझ में आएगा। बिकॉज व्हेन यू आर गोइंग टू अटेम्प्ट दैट कैट एग्जामिनेशन, पहले आपको UNSA आ जाएगा, मतलब RC पहले आता है 40 मिनट्स में, तो उसमें क्या होगा ना ऑटोमेटिक आप वहाँ पर स्क्रीन में देखोगे तो आप घबरा जाओगे, ठीक है ना। बिकॉज वहाँ पर स्क्रीन में जो आएगा वो क्या आएगा ना, आपको जो स्कैन क्वेश्चन जो है वो रहेगा, मतलब क्या ना टाइपिंग क्वेश्चन वो रहता नहीं, बिकॉज स्कैनिंग क्वेश्चन रहता है, ठीक है। तो देखोगे तो घबरा जाओगे, उसको देख के समझ में नहीं आएगा, पढ़ोगे तो समझ में नहीं आएगा, लॉट्स ऑफ थिंग्स आर देयर। तो यहाँ पर देखो UNSA पहले जो है मैं लिख के रखा हूँ, UNSA इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। उसके बाद आता है आपको जो सबसे खास करके मैं जिसके लिए बोल रहा हूँ, दैट इज Smithsonian Essays। Smithsonian Essays इज अनदर थिंग। उसमें क्या होगा ना, इसको पढ़ोगे आप तो बहुत सारा आपको बेनिफिट होने वाला है, मतलब इंग्लिश आपको स्ट्रांग होगा, वर्बल स्ट्रांग होगा, एंड यू विल गेट मे बी 1 RC फ्रॉम Smithsonian Essays, ओके। सो दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एसेज इन आवर कैट एग्जामिनेशन, यू मस्ट गो थ्रू दैट, ओके ऑल्सो। उसके बाद आता है जो चीज़ मैं आपको बहुत सारा बार बता चुका हूँ पहले, फिर भी मैं बोलूँ, द गार्डियन आपको कहाँ मिलेगा, बिकॉज दोज हु आर अवेलेबल इन ऑनलाइन, यू कैन गो थ्रू दैट ऑनलाइन एंड यू कैन गेट एवरीथिंग, ओके। सो देखिए यहाँ पर मैं गार्डियन का नाम लिख सकूँ, द गार्डियन लिखा हुआ है यहाँ पर, आप इसको फॉलो करो, मेरा इस जो चैनल जो है इसको फॉलो करो, ऑटोमेटिक आपको पास कॉमन आएगा। बिकॉज यहाँ पर थोड़ा सा रेटिंग कम है, मतलब क्या ना क्वेश्चन कम आते हैं, ठीक है, छोटा एक्ट होता है तो आपका RC रहेगा, लेकिन आपको रहेगा बिल्कुल, ठीक है ना। सो दिस इज द गार्डियन, एंड देन द अटलांटिक, इंटरनेट में सर्च करोगे तो पता चल जाएगा व्हाट इज द अटलांटिक। आपको क्या होगा ना, आप इंग्लिश जब पढ़ने लगोगे
वो क्या होगा ना, ऑटोमेटिक आपके पास कुछ नया वर्ड वर्ड आएंगे, तो दैट इज वर्ड पावर, मतलब क्या ना, स्टॉक ऑफ वर्ड आपको हाई होगा। तो पहले क्या आता है आपको यून एसे, उसके बाद स्मिथसोनियन एसेस, उसके बाद द गार्डियन एंड द अटलांटिक। ओके, तो ये चार एसे को आपको फॉलो करना है, फोर एसेस यू विल गेट ए टिपिकल टाइप ऑफ क्वेश्चन इन कैट एग्जामिनेशन। आपको कैट में जब क्वेश्चन आएगा आपको कोई आपको दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। सो इसके लिए मैं बोल रहा हूँ, मैं सबके लिए बोल रहा हूँ, इसलिए दैट इज नॉट फॉर द सेल्फ प्रिपरेशन, ऑल द कैंडिडेट्स के लिए, ठीक है। तो ऐसे होता रहता है एज बिकॉज, क्योंकि क्या होता है ना, व्हेन वी आर गोइंग टू प्रिपेयर फॉर कैट एग्जामिनेशन, हम लोगों को सब कुछ मतलब स्टडी मटेरियल चाहिए, तब जाकर फाइनली हमारा हम क्या करेंगे तो हम ही जानते हैं, वहाँ पर कैसा क्वेश्चन आएगा नहीं आएगा उसको डिपेंड करता है, फिर भी पढ़ कर तो जाना पड़ेगा, तब जाकर फाइनली कुछ हो पाता है, ठीक है। उसके बाद आता है वर्बल एबिलिटी। वर्बल एबिलिटी देखिए, यहाँ पर 16 को क्वेश्चन रहेगा, चारों मिला फोर मिला के फोर इंटू फोर, दैट इज 16 नंबर ऑफ क्वेश्चन यू विल गेट इन कैट एग्जामिनेशन। देन वर्बल एबिलिटी का पार्ट आता है, दैट इज पैराजाम्बल, ऑड मैन आउट, दैट इज ऑलमोस्ट सेम। आपको अगर ट्रिक्स मालूम है पैराजाम्बल का, मतलब क्या होता है ना, 1 2 3 4 5 इसको पैराजाम्बल करके दिया जाता है, उसको क्या ना ठीक करना है, मतलब सिक्वेंस में लाना है। सिक्वेंस में लाने के लिए क्या होगा ना, 1 2 3 4 5 आप में करना है, उसके लिए ट्रिक्स है। फुल स्टॉप के बाद क्या होगा, उसके बाद आपको इडियम्स होता है, उसके बाद आपको आर्टिकल्स प्रीपोजिशन का फंडा है, उसमें क्या होता है उसको देख के पता चलता है। उसके बाद क्या होगा ना, ए होगा, एन होगा ना, दी होगा, वो एक तो बहुत बड़ा ट्रिक्स है आपको, ठीक है। तो ऑड मैन आउट क्या होता है ना, पैराजाम्बल करके मतलब सिक्वेंस में सजा के जो ऑड है उसको हम लोग आउट कर देते हैं, दैट इज ऑड मैन आउट बेसिकली। सो ऑलमोस्ट बोथ आर द सेम, बिकॉज पैराजाम्बल एंड ऑड मैन आउट बोथ आर द सेम, इसलिए मैं बार बार बता चुका हूँ पहले भी, दैट इज बोथ आर द सेम, बट यू मस्ट नो अबाउट द ट्रिक्स। ट्रिक्स आपको पता नहीं है तो आपको कुछ भी नहीं होगा, मतलब क्या ना, आपको बेकार फालतू करके कोई फायदा नहीं है। ओके, सो एंड देन इज द पैरासमरी। पैरासमरी मतलब क्या है ना, एक तो पैराग्राफ दिया रहेगा, उसका समरी क्या होगा, हो सकता है कि जो आपको यहाँ पर आरसी दिया हुआ है उसका पैरासमरी आपको पता करना पड़ेगा, ठीक है। सो दिस इज द थिंग, एंड यहाँ पर आपको टोटल 8 को क्वेश्चन रहेगा, 8 को क्वेश्चन, एंड दोज क्वेश्चन डजंट हैव एनी नेगेटिव मार्किंग। ओके, मतलब क्या है ना, वहाँ पर क्या होगा, दैट इज टीटा टाइप क्वेश्चन। टीटा टाइप मतलब टाइप इन टाइप आंसर क्वेश्चन रहता है, यू विल बी नॉट इन द नेगेटिव साइड। ओके, 8 को क्वेश्चन अगर फुल कर लोगे तो आपका 98% आपको आ जाएगा यहाँ से, करेक्ट अटेम्प्ट करोगे तो, एंड यहाँ से आपको 2 को क्वेश्चन करोगे तो 99.99 ऐसे है। 2 को क्वेश्चन मतलब 16 में 2 को क्वेश्चन, 10 11 को क्वेश्चन करके आओगे 99% आ जाएगा। ओके, सो लेकिन ऐसा नहीं है, आरसी को पढ़ना पड़ेगा, आरसी को देखो, एक एक आरसी को पीछे मतलब क्या ना, जो 7-8 मिनट करके देना पड़ेगा, इसलिए मैं बोल रहा हूँ अगर आप 7-8 मिनट करके दोगे तो उसके लिए स्ट्रांग स्ट्रैटेजी होना चाहिए। तो स्ट्रांग स्ट्रैटेजी दैट इज सेल्फ प्रिपरेशन मोड, क्योंकि क्या होता है ना, हम लोग ऐसा ऐसा होता रहता है, बिकॉज यहाँ पर 4 आप पैसेज पढ़ोगे, दैट इज मैं बार बार बता चुका हूँ, यून एसेस, स्मिथसोनियन एसेस, द गार्डियन एंड द अटलांटिक, इसको इंटरनेट में जाकर देखो पढ़ो। ओके, तो ऑटोमेटिकली यू विल गेट एवरीथिंग। ओके, सो दिस इज द थिंग, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दिस, क्या है ना, खुद के साथ खुद चीटिंग मत करो, तब जाकर फाइनली आपको कुछ होगा, अदरवाइज क्या होगा ना, आपको दिक्कत होता रहेगा बहुत, बिकॉज यू विल बी नॉट एबल टू पास फ्रॉम एनीथिंग इन फ्यूचर। ओके, क्यों होगा ना, वहाँ पर जाकर चीटिंग करते रहोगे, मॉक टेस्ट देना पड़ेगा, मॉक का एनालिसिस करना पड़ेगा, मॉक टेस्ट जब दोगे देखोगे कि आपको मॉक का परसेंटेज नहीं आ रहा है, मतलब क्या ना, स्कोर नहीं बन रहा है, उसमें क्या होगा ना, फ्रस्ट्रेटेड हो जाओगे, ठीक है। फ्रस्ट्रेशन में नहीं जाना है, पढ़ना पड़ेगा, तब जगह फाइनली कुछ हो पाएगा। ओके, सो ऐसे होते रहता है, बिकॉज दिस इज द प्रैक्टिस, जनरल प्रैक्टिस, यू हैव टू स्टडी हार्ड फॉर द सेम। स्टडी हार्ड मतलब क्या ना, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ इसको पढ़ाई करिए, ऑटोमेटिक आपको हो जाएगा। यू एन एस एस, स्मिथसोनियन एस एस, द गार्डियन, द अटलांटिक, बढ़िया से पढ़ाई करो, ऑटोमेटिक आपको वी आर सी में 99 पॉइंट आपका सियोर आ जाएगा। उसके बाद थोड़ा सा आपको डी आई एल आर एंड क्वांट आपको अच्छा रहेगा, इंजीनियर लोगों के लिए खास करके बहुत अच्छा है, तो अच्छा रहेगा ना, ऑटोमेटिक आप कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब आई एम अहमदाबाद, बैंगलोर, कलकत्ता से आपको कॉल आ जाएगा, बट पी आई में आपको खेला है, ठीक है ना। आप अगर वहाँ पर अंग्रेजी नहीं बोल पाओगे तो कुछ भी नहीं हो पाता है। ओके, सो ऐसे होते रहता है। सो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट इज पैराजाम्बल, ऑड मैन आउट एंड पैरासमरी, व्हिच इज द वर्बल बोला जाता है इसको। तो वर्बल के लिए मैं बोलूँगा सबको जैसी है, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, दैट इज 8 को क्वेश्चन आपको दिया जाएगा, 8 को क्वेश्चन में 8 को क्वेश्चन आपको फूल करना होगा, ठीक है ना, इसको टारगेट करना है। पहले 20 मिनट में 2 को RC प्लस 2 को आपको 8 को क्वेश्चन फुल कर लेना पड़ेगा, तब जगह आपको फाइनली मतलब क्या ना, स्ट्रेस आपको कम रहता है, मतलब क्या ना, थोड़ा सा पहले 20 मिनट जो रहता है 40 मिनट में, 20 मिनट में थोड़ा सा ज़्यादा कर लोगे ना, उसमें क्या होगा ना, लास्ट में आकर स्ट्रेस कम होगा आपको। स्ट्रेस कम होने से क्या होगा ना, ऑटोमेटिक आप आगे बढ़ पाओगे। ओके, 99.99% आपको यूँ ही आ जाएगा। ओके, सो दिस इज द थिंग। सो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर द कैट 23 एग्जाम, 26 नवंबर कैट होने वाला है, 25 नवंबर तक आपको टाइम है, थोड़ा सा इसको स्टडी कीजिए, ऑटोमेटिकली आप कन्वर्ट हो जाओगे। ओके, सो डोंट बी हेजिटेट,
एंड कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए आपको क्या प्रॉब्लम है, और अदरवाइज आपको फ्रस्ट्रेशन लगे तो MBAA2ZInquiry@gmail.com हमारा ईमेल आईडी है, ईमेल करके बताइए व्हाट आर द प्रॉब्लम है रिलेटेड टू दैट, एंड कमेंट बॉक्स में बोलिए क्या क्या चाहिए और क्या क्या नहीं चाहिए। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, गॉड ब्लेस यू गाइस, लेट्स होप फॉर द बेस्ट, एंड सबको 99.99% लाना चाहिए। ओके, लेट्स सी।